नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। तीसरे फेज के कोरोना टीकाकरण की तैयारी 1 मार्च तक पूरा करने का जारी हुआ आदेश। बिहार समेत पूरे देश भर में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया 16 जनवरी से ही शुरू हो गई है। वहीं कोरोना टीकाकरण के तीसरे फेज की तैयारी भी अब 1 मार्च तक पूरा करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने डीएम को भी आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसके तहत उन्होंने सभी डीएम को एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तीसरे फेज में 50 साल से अधिक और बीमारी से ग्रस्त 50 साल से कम लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाना है। इसको लेकर जिला स्तर और तैयारियों को भी पूरा करवाए जाने की बात हो रही है। जानकारों की माने तो फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर ही योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाना है, योग्यता नहीं रखने वालों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निकाली रख दिया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट केमिस्ट के कुल मिलाकर 230 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल शामिल है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ प्रासंगिक अनुशासन में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक या फिर 60% अंकों के साथ रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट ntpccareers.net पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। पटना में फरवरी में ही अप्रैल वाली गर्मी। पटना सहित बिहार भर में अगले 2 दिनों में धूल भरी आंधी की स्थिति बन सकती है। साथ ही पारे में भी 2 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार है। वहीं बीते दिन की बात करें तो पटना में फरवरी महीने में पिछले 3 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते दिन राजधानी का तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इससे पहले साल 2017 में 21 फरवरी को पटना का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। पिछले साल की बात करें तो फरवरी महीने में सर्वाधिक तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा था, जबकि 2019 में 22 फरवरी को 31.4 डिग्री सेल्सियस और साल 2018 में 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। सहरसा से दरभंगा वाया सुपौल के लिए अप्रैल महीने से होगा ट्रेनों का परिचालन। बिहार के कोसी और सीमांचल वासियों के लिए खुशखबरी। सहरसा से सुपौल, निर्मली, झंझारपुर होकर दरभंगा के लिए ट्रेनों का परिचालन जल्द ही होने वाला है। इन ट्रेन सेवा के शुरू हो जाने से कोसी और मिथिलांचल की लाखों आबादी को बेहतर आवागमन सुविधा का लाभ मिलने वाला है, जिसके बाद महज 2.5 से 3 घंटे में सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, तिमुरिया और झंझारपुर के रास्ते लोग ट्रेन से दरभंगा पहुंच जाएंगे। वर्तमान समय में मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर होकर दरभंगा जाने में 5 घंटे तक का समय लगता है। इससे समय में बचत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही दूरी कम होने के कारण राशि के भी कम होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा लाभ सुपौल, थरबिटिया, सरायगढ़, निर्मली, तुमरिया, झंझारपुर जैसे स्टेशनों को ही मिलेगा, जहां से सीधी दरभंगा के लिए ट्रेन जाएगी। आज से शुरू हुई 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं। आज से 9वीं की वार्षिक परीक्षाओं का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश भर से इस परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से पहली बार यह परीक्षा ली जा रही है। बोर्ड की तरफ से सभी जिलों को प्रश्न पत्र भेज दिया गया था। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्राचार्य को ही दी गई थी। परीक्षा 26 फरवरी से 3 मार्च तक जारी रहेगी। बिहार बोर्ड की तरफ से परीक्षा का यह शेड्यूल सभी स्कूल को पहले ही भेज दिया गया था, जिसके बाद आज से शुरू हुई परीक्षा की पहली पाली 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली 1:45 से लेकर 5 बजे तक देखी गई। वहीं आपको बता दें कि आज पहली पाली में विज्ञान तो वहीं दूसरी पाली में गणित की परीक्षा ली गई। बिहार में 1 मार्च से ही खुलेंगे 5वीं तक के स्कूल। बिहार के बाहर देश के कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफे की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद बिहार में भी एहतियाती कदम उठाते हुए सख्ती बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद प्राइमरी स्कूल खोलने की बात को लेकर संशय की स्थिति भी देखने को मिल रही थी। हालांकि अब बिहार में कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई स्कूल में 1 मार्च से ही शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद निर्देश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी और सिविल सर्जन डीएम का सहयोग करेंगे। विद्यालयों में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए भी उत्तरदायी टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन पर जोर देने की बात कही है। सरकार की माने तो बिहार में एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेशकों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर के पैदा होने की गुंजाइश है। इतना ही नहीं, उद्योग को बढ़ावा देने के बाद राज्य में गन्ने का भी उत्पादन बढ़ने वाला है। किसानों को गन्ने का अधिक से अधिक मूल्य मिल सकेगा, जिससे कि राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। इसके साथ ही बंद पड़ी मिलों को भी फिर से खोलने की कवायद तेज कर दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए साल 2006 से ही काफी प्रयास किए जाने की बात कही जा रही है।
आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे श्रुति झा की। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बिहार में जन्मी श्रुति झा की। श्रुति झा का जन्म आज ही के दिन साल 1986 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। श्रुति झा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं जो भारतीय सोप ओपेरा में दिखाई देती हैं। शो जिया जले, ज्योति, दिल से दुआ में अपनी भूमिकाओं के साथ वो प्रमुखता से उभरी हैं। सौभाग्यवती भवा, बालिका वधू और कुमकुम भाग्य, उन्होंने जी टीवी के कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा का किरदार निभाने के लिए लीड रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इंडियन टेली अवार्ड भी जीता है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों की सेवा मिली कैबिनेट सचिवालय को। नीतीश कैबिनेट में शामिल 4 मंत्रियों के सरकार आप्त सचिव के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों की सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंप दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के आप्त सचिव बीपीएससी के ओएसडी रहे कौशलेंद्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह के आप्त सचिव पुनेंद्र कुमार होंगे, जबकि ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज के पीएस अमित कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के पीएस के तौर पर संजीव कुमार को पद स्थापित किया गया है। अतिथि शिक्षक अब नहीं कर पाएंगे इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। इंटर की परीक्षा का समापन हो चुका है, जिसके बाद अब कॉपियों के मूल्यांकन की बारी है। इसी क्रम में अब इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए देश भर में नए सिरे से नियमों को लागू किया गया है, जिसके तहत अब मूल्यांकन की प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों को अलग रखने की बात कही गई है, जिसके बाद अब प्रदेश भर में नियुक्त अतिथि शिक्षक इंटर के मूल्यांकन में शामिल नहीं होंगे। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिथि शिक्षकों को अलग रखने को कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार कई स्कूल ने इंटर मूल्यांकन के लिए बीएसईबी के पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों का नाम अपलोड कर दिया था, जबकि शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश जारी कर कहा है कि अतिथि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई काम नहीं लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया भ्रष्ट राज्य। बीते दिन तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और उनके कामकाज को लेकर खूब बयानबाजी की, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे का हवाला देते हुए बिहार को देश का दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य घोषित कर दिया है। तेजस्वी ने दावा किया है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां घूस लिए बगैर एक भी काम नहीं किया जाता। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सूचना इंडेक्स का हवाला भी दिया है, बिहार को फिसड्डी करार कर दिया है। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, सरकार के कामकाज को कोसते हुए उन्होंने आगे कहा है कि सरकार सूचनाएं छिपाने का काम करती है। 8% ऐसे जवाब है जो सूचना मांगने के बाद दिए जाते हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ही जंगल राज, विकास नहीं हुआ ऐसे मुद्दों को उठाती आई है। शराबबंदी को लेकर अब भाजपा ने भी उठाई नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ आवाज। बिहार में इन दिनों बजट सत्र को पेश किया जा रहा है, वहीं सत्र के दौरान तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शराबबंदी का मामला भी खूब उठाया गया है। हालांकि अभी तक तो विपक्ष ही नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ बोलती नजर आई थी, वहीं अब भाजपा ने भी बोलना शुरू कर दिया है। भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने राज्य में शराबबंदी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह सचिव आमिर सुबहानी को पद त्यागने की नसीहत दे डाली है। भाजपा एमएलसी ने कहा है कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गृह सचिव विचार करे और इन घटनाओं को देखते हुए अपना पद छोड़ दे। अगस्त में आएगी अक्षरा सिंह और राकेश मिश्रा की फिल्म बाजी। माइलस्टोन फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म बाजी का अनाउंसमेंट पटना में किया गया। इस मौके पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह, अभिनेता राकेश मिश्रा, फिल्म के निर्माता रघुवेंद्र सिंह, निर्माता निर्देशक कमलेश सिंह समेत कई कलाकार भी मौजूद रहे। इस मौके पर भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने बताया है कि उनके आने वाली फिल्म बाजी पारिवारिक और मनोरंजक होगी। उन्होंने इस बाबत आगे कहा है कि फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है, इसमें मेरी भूमिका बेहतरीन है। हम सबों के लिए यह फिल्म बना रहे हैं, सब लोग इस फिल्म से जुड़े और सराहे, मेरी यही ख्वाहिश है। चिराग पासवान ने नीतीश राज पर एक बार फिर कसा तंज। चिराग पासवान भले ही केंद्र में भाजपा के हितैषी माने जाते हैं, मगर बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिकरण एक आंख नहीं भाती। यही कारण है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान आए दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ ही अपनी नाराजगी दिखाते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से नीतीश के राज का जिक्र किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चाहे वो करे, वो इसमें क्या ही कर सकते हैं। कुछ नेताओं को जदयू में शामिल करवाने से लोक जनशक्ति पार्टी खत्म नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है। आम नागरिक तो आम नागरिक, अब पुलिस वालों के साथ भी काफी गलत हो रहा है। इस तरीके के मामलों का बढ़ना बेहद ही चिंताजनक है। हार्दिक ने लिया अक्षर पटेल का इंटरव्यू। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने कुल 11 विकेट झटके। अक्षर को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अक्षर पटेल ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। मैच
के बाद हार्दिक पांड्या ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसका वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। इस खास इंटरव्यू के बीच में कप्तान विराट कोहली भी कूद पड़े। इस इंटरव्यू के दौरान अक्षर पटेल ने बताया कि टीम इंडिया से करीब 3 साल बाहर रहने के मुश्किल समय में उनके दोस्तों और परिवार वालों ने उनका काफी सपोर्ट किया। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को मिली जीत में किस खिलाड़ी का योगदान सबसे ज्यादा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।